अपन मर्जी से शादी कर रहे हो, तोरा मर्जी हो ना बुआ। कहते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि प्यार अंधा होता है, ना जात देखता है, ना पद और ना ही उम्र। अब ऐसा ही एक मामला बिहार के नालंदा जिले से सामने आया है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान एक नेता जी एक लड़की को दिल दे बैठे। उन पर आशिकी ऐसी चढ़ी कि वो लड़की को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद दोनों को लड़की के घर वालों ने पकड़ लिया है और अब गांव में मंदिर में उनकी शादी भी करा दी गई है। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान युवक रविकांत रविदास सरपंच पद से चुनाव के लिए खड़े हुए थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान गांव की ही एक लड़की, जिसका नाम काजल बताया जा रहा है, उनसे उनकी आंखें चार हो गई। प्यार परवान चढ़ा, दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी, बाद में चोरी छिपे मिलने भी लगे। इस बात का पता जब लड़की के परिजनों को लगा तो इन दोनों के बात पर अंकुश लगाई गई। बातचीत के लिए परिवार वालों ने पाबंदी लगा दिया, बावजूद दोनों मौका पाकर मिलते थे और बातचीत भी किया करते थे। पाबंदी बढ़ने लगी तो दोनों ने साथ जीने मरने का इरादा बनाया और घर से भाग गए। इस बात का पता जब लड़की के परिजनों को लगा तो खोजबीन शुरू हो गई। दोनों को एक साथ पटना में पकड़ लिया गया है। इसके बाद लड़की के घर वालों ने दोनों को गांव लाने की जिद की, लेकिन दोनों गांव नहीं आना चाह रहे थे। काफी मान मनोवल के बाद उनको गांव लाने के लिए तैयार किया गया। इधर गांव वालों ने भी पूरी तैयारी करके रखी थी। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, इनकी शादी मंदिर में करा दी गई। पूरे गांव वालों के सामने दोनों की शादी विधि विधान से कराई गई, जिसके बाद दोनों सदा के लिए एक हो गए। अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नेताजी को चुनाव में तो जीत नहीं मिली, लेकिन अपने प्यार को पाने में वो सफल हो गए। नालंदा से रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। अपन मर्जी से शादी करने लगे काश के बोल कौची नाम आओ कौची नाम आओ काजल काजल कुमारी ना तोरा मर्जी हो ना शादी कर दी लड़का के साथ तोरा जी लड़के से शादी करेगी ना सब दिन रखेगा ना ठीक चल दोनों खड़ा हो तो सामने चल मत बजा चल दोनों हाथ धर रहे हाथ पे धर तो हाथ पे धर कंधा पर हाथ बता कंधा रही लो तो अगर दीदी ना बोले अगर भैया
इन्हें दिखाऊं तो इन्हें आदमिया के दिखाऊं आदमिया के दिखाऊं।